पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद यूनिट के सराहनीय कार्य और पत्रकारों की समस्याओं के निदान को लेकर सदैव तत्पर रहने पर हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा आयोजित नेशनल काउंसिल मीटिंग में मुरादाबाद यूनिट के संगठन और पत्रकारों की समस्याओं के प्रति उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए सम्मानित करते हुए अवार्ड प्रदान किया गया। इस संबंध में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मुरादाबाद यूनिट की एक बैठक रविवार को सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में आहूत की गई, जिसमें मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों और सदस्य मौजूद रहे। तेलंगाना में हुई इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा आयोजित नेशनल काउंसिल मीटिंग में मुरादाबाद यूनिट के उत्कृष्ट कार्यों पर मिले सम्मान पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि ये यूनिट के लिए सौभाग्य की बात है, जिसका श्रेय यूनियन के सभी सदस्यों को जाता है। इस दौरान बैठक में जहां संगठन को मंडल स्तर पर मजबूत करने की बात कही गई, तो वहीं पत्रकारों की सुरक्षा, उनके आवास और एक होकर पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा करके रणनीति तैयार कर उसका खाका तैयार किया गया है। आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में हमारे संगठन यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे तमाम ही अहदेदारान पदाधिकारियों ने और मेंबरान ने शिरकत की। और यहाँ जो ये मीटिंग थी, ये इस सिलसिले में थी कि किस तरह से हम पत्रकारों के हित की लड़ाई को लड़े। हमारे कई ऐसे लड़ाइयाँ थी जो कहीं ना कहीं हम कामयाबी की तरफ हैं। पहले तो हम लोग, हमारा संगठन ये कोशिश में था कि किसी सूरत से यूपी गवर्नमेंट जो है वो हमारे पत्रकार साथियों को पेंशन दे, जो उम्र रसीदा पत्रकार हैं। तो वो एक कामयाबी मिली कि यूपी गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया है कि उसे पेंशन को देंगे। दूसरा, हमारा एक हेल्थ कार्ड की बात हो रही थी, तो वो भी यूपी गवर्नमेंट ने इशारा दे दिया है कि जल्दी हेल्थ कार्ड बनेगा। यहाँ हम प्रेस क्लब की बात कर रहे थे कि प्रेस क्लब होना चाहिए। हमने ये कहा था कि पत्रकारों के लिए, सारे पत्रकारों के लिए, उसमें खाली हम अपने संगठन की बात नहीं कर रहे थे, सारे पत्रकारों के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ मुरादाबाद प्रेस क्लब को खोला जाए और उसके अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि पत्रकार बैठें, मीटिंग करें और उन्हें लगे कि हाँ, ये हमारे बैठने की एक जगह है जैसे और संगठनों की होती है। तो वो कामयाबी हमें मिली है। उसके अंदर कमिश्नर साहब और डीएम साहब ने बहुत कोशिश की और उनका अच्छा, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इसमें हमारी बात को सुना। ऐसे ही हमारी एक अभी कोशिश है कि किसी तरह से हम प्रेस कर लो उनकी, कि हमारी मांग बहुत पुरानी चली आ रही है। उसमें भी हमें थोड़ा सा पीछे से इशारा मिला है सामने से कि ये हमारा एक काम हो सकता है और हम अभी उस लड़ाई को और लड़ेंगे ताकि हमारे प्रेस के साथियों को एक ऐसी कॉलोनी मिल जाए कि जिसमें वो अपना एक आशियाना बना सकें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हमारी मीटिंग हुई और सारे हमारे पदाधिकारियों ने और ये कोशिश की है और ये वादा भी किया है कि हम जो है इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ते रहेंगे और अपने पत्रकार साथियों की भी जितनी समस्याएं हैं उनको हम हल करते रहेंगे। समाज बीजेपी के इस वक्त नेशनल प्रोग्राम साहब और सांसद, उन्होंने भी इस प्रेस क्लब को खुलवाने में कहीं ना कहीं हमारे संगठन के कहने पर, हमारे संगठन के दो साथी संदीप जी और सनेश जी ने उनसे बात की थी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसमें अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने आगे भी वायदा किया है कि इस प्रेस क्लब के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको वो सही करेंगे और जल्द ही